बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम व्यूअर्स, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग जी। मैं भी अल्लाह का लाख शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप सबकी दुआओं से आप सबको रमज़ान करीम मुबारक हो जी। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। तो आज मैं क्या बनाना बता रही हूँ आपको, छोटी छोटी टिप्स से समझ लेंगे आप ना, छोटे छोटे व्लॉग्स आपको मिलेंगे मेरे, लेकिन ये बड़े ही इंफॉर्मेटिव होंगे। वो इस तरह से कि बड़ी महंगाई का दौर है, आपको पता है कि मैं चीज़ें वही बताती हूँ जो कि मतलब कम पैसों की, और आपके लिए जो चीज़ें बाहर से मतलब अफोर्ड करना मुश्किल हो जाती है, इनके बहुत महंगी होती हैं। वो चीज़ अगर हम घर में बना सकते हैं तो फिर मैं वही रेसिपी आपके लिए लेकर आऊँगी, ठीक है जी। तो आज मैं क्या बना रही हूँ, मैंने कहा क्रीम चाट बनाएंगे। जब क्रीम चाट हम बनाएंगे तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्रीम की ज़रूरत है, ठीक है जी। तो फ्रूट इतना महंगा, अब सही बात है, फ्रूट तो मैं घर में नहीं बना सकती, फ्रूट तो बाहर का लेना पड़ेगा, लिहाजा क्रीम तो मैं घर में बना सकती हूँ, ठीक है जी। तो क्रीम के लिए मैं क्या करती हूँ जी, आपको देती हूँ रेसिपी ज़बरदस्ती सिंपल सी। आपको मिल्क नज़र आ रहा है, दो कप मैंने ये तकरीबन दो कप की बनाई, दो कप मिल्क की, ठीक है। वन कप इसमें तकरीबन चला गया, वन और ये वन तकरीबन यहाँ पर, ठीक है जी। अब इसमें क्या करना, एक कप में हम जाएंगे दो चम्मच जो है हमने कॉर्नफ्लोर के डाल दिए, ठीक है जी। कॉर्नफ्लोर आपको दिखाती हूँ मैं, कॉर्नफ्लोर जो है ना अक्सर वक्त बैठ जाती है, देखिए नज़र आ रहा थे, तो ये बैठा हुआ इसमें कॉर्नफ्लोर। अभी मैं इसको अभी ज़रा मेरे पास सेल फोन भी उठाया हुआ मैंने, मैं आपको दिखाऊंगी, देखिए कॉर्नफ्लोर नीचे ये देखिए ठीक ठीक नज़र आ रहा है। अब मैं इसको अच्छा सा मिक्स करती हूँ, ठीक है जी। इसमें चीनी चाहिए, चीनी कितनी डालेंगे मैं वो भी आपको बताती हूँ। कॉर्नफ्लोर कोई सा भी अच्छे ब्रांड का ले लें आप, लेकिन बंद पैक वाले डिब्बे वाले लेना है, खुला भी सुनने में आ रहा है कि मिलता है, लेकिन सही बात है क्वालिटी वाली चीज़ अच्छी नहीं होगी तो अच्छी नहीं बनती। तो हमने अच्छी सी क्रीम बनानी है, तो हमने अच्छे से ब्रांड का हमने कॉर्नफ्लोर ले लेना है, ठीक है जी। अब एक कप में दो चम्मच मैंने डाल दी तकरीबन खाने वाले कॉर्नफ्लोर, ठीक है। और एक कप में थोड़ी बल्कि दो कप में, दो कप में दो चम्मच जो है बड़े खाने के वो चीनी के चलेंगे, ठीक है ना। बस इतना मीठा, ठीक है। बाकी मीठा हम अपने इसके मुताबिक डालेंगे। मेरे पास असल में ये कैमरा उठाया हुआ था तो हाथ उल्टा पड़ रहा है, ठीक है। आप ये मत समझिए मैं ज़्यादा डाल दूँ, दो कप मुझे इसलिए लेना पड़ रहा है कि ये देखें जी, ठीक है। तो मैंने तकरीबन ये डाल दिए दो खाने के चम्मच भर के, दो खाने के चम्मच भर के मैंने चीनी के डाल दिए। अब जी क्या करती हूँ, कॉर्नफ्लोर को करते हैं हम डिज़ोल्व, ठीक है जी। कॉर्नफ्लोर को अच्छे तरीके से डिज़ोल्व करेंगे और उसको भी हमने इसमें दूध लिया, देखिए अभी चिपक जाता है। अभी मैंने एक हाथ से पकड़ लूँ ना तो ज़ाहिर बात है चिपक रहे हैं। तो अगर हम यूँ इसको असल में मैं करूँ क्या जी, ट्राईपॉड वगैरह भी बच्चों ने सारों ने वो पिक्चर्स बना बना के ख़राब कर दिया, रिंग लाइट ट्राईपॉड हर चीज़ ये बच्चे ख़राब कर देते, तोड़ फोड़ कर देते, ठीक है जी। अब हमने इसको क्या करना है, इसको हमने डाल देना है दूध में, सिंपल है। चीनी डाल दी हमने, दो कप दूध लिया हमने बड़ा, ठीक है। दो चम्मच ही खाने की चीनी गई है, ठीक है जी। और दो चम्मच जो है वो भर के एक कप में जाएगा, एक कप में जाएगा दो चम्मच कॉर्नफ्लोर, ठीक है। तो अब अगर दो कप है तो इसमें ज़ाहिर बात है वो चार चम्मच जाएंगे कॉर्नफ्लोर के, ठीक है जी। उसको डिज़ोल्व करके हमें दूध में डाल देना, फिर उसकी सी विस्क लेकर अच्छी तरीके से हमने इसको मिक्स कर लेना। उसके बाद हमने इसको फ्लेम पर रखना है, ठीक है, चूल्हे पर रखना है। ये मैं सेलफोन उठाया होता है ना, ये देखिए ये सॉसपैन मैंने रख दिया, ठीक है जी। और ये हम डाल के आपको दिखाते हैं कितना थिक करना है। अच्छा देखिए जी, इस जो क्रीम है ना इसकी कंसिस्टेंसी कितनी होनी चाहिए, ठीक है। ये देखिए जी, इसको हमने थिक कर लिया, आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखिए जी, अब हमारे यहाँ से पहले गैस जाती थी और अब लाइट की भी लोड शेडिंग स्टार्ट हो चुकी है जी, पूरे इनके रोज़ों में यही हाल होगा लग रहा है। ये देखिए अब नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। एक हाथ में मैंने लाइट पकड़ी हुई है और एक हाथ से नहीं कर रही हूँ, ठीक है जी। तो ये देखें जी कितनी भी अच्छी सोए, ये क्रीम हो गई रेडी। इसको डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि कितनी ठीक है, ठीक है जी। ज़बरदस्त ये देखें ना, दो कप दूध से कितनी ज़बरदस्त ये क्रीम बनी है। इसको हम फ्रूट चाट में डाल सकते हैं, क्रीम चाट बनाएं हम किसी चीज़ में भी डाल सकते हैं, मुख्त किस्म के डेजर्ट्स में ये डलती है, ठीक है जी। और फिर इसकी आपको मैं बताती भी चाहूँगी किस किस चीज़ में आप ये होम मेड क्रीम यूज़ कर सकते हैं। आज बनाई फ्रेश ही यूज़ कर लीजिए, ठीक है जी। लाइट आ चुकी है और मुझे पता ही ना चला, मैं एमरजेंसी लाइट में बना रही थी, पता नहीं चला लाइट का। देखिए इसमें भी कुछ भी पता नहीं चलता, कौन आ जाता है और कौन चला जाता है, ठीक है जी। और कब कोई आ जाता है कब कोई चला जाता है, ठीक है जी। तो अब ये देखिए हमारी जो क्रीम है ज़बरदस्त सी, दो कप से कितनी ज़बरदस्त सी बन गई। इससे मैं क्रीम चाट बनाऊँगी, जो जो चीज़ें बनाया करूँगी आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन इसको फ्रेश ही बनाना है, फ्रेश ही जैसे बनाना है उसी दिन आपने मतलब सर्व भी करना है। इनके साथ जो भी चीज़ बनानी है ना उसी वक्त आप बना लिया करें, तो देखिए फ़ायदा हो जाता है घर में बनाने का, तो बाज़ार की तो बहुत महंगी पड़ जाती है, ठीक है जी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ओके जी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़ जी। कुछ चस्के जो है बाज़ार के भी हैं हमारे घर, कम ही होते हैं ये वाले चस्का, बाज़ार का मीठी का बस।
अच्छा जी, ये मैंने जी बनाई है, मैंने मैंने क्या बनाई है आज, किस वो गेस्ट ने बनाई, ठीक है जी, सिस्टर ने बनाई है, बड़े मज़े की है। देखिए जी मेरी आज बनाई है उन्होंने ये क्रीम चाट, ठीक है जी। तो मैंने अशरफिया वगैरह जैली वगैरह नहीं डाली क्योंकि बच्चे फिर वो निकालते रहते हैं, तो मैंने कहा रमज़ान है, ठीक है जी। तो खजूरें जो ये वाली जो है ना, ये जो बाज़ार में दरख्त ने बनाई नहीं है, अल्लाह मियाँ की खजूरें बनी बनाई, ठीक है जी। चीज़ें सब नेमते हैं अल्लाह मियाँ की, और अल्लाह मियाँ जो रमज़ान में हमें नेमते देते हैं माशाल्लाह। अच्छा जी, हमने दही भले बनाए, मैंने इसी तरह रहती इसलिए कि हमारे घर सेपरेट खाते हैं, सब अपनी अपनी प्लेट में डालते जाते हैं। हमारे घर शुरू से नीचे आलू होते हैं, बता ये पकड़े आप, मैं हमेशा ये क्या करती हूँ, देखें ना ये बल्ले हैं ना, बल्लों के नीचे हमारे होते हैं, ये देखें ये दिखाऊँगी, चने, ये देखें चने, आलू सब नीचे होते हैं और ऊपर में ये गोल मटोल सी, देखें आपको दिखाई थी ना कल मैंने कितने ज़बरदस्त से बल्ले बनाए, ठीक है जी। तो ये हमने बल्ले बना लिए, दही हम सेपरेट रख देते हैं। तो अभी हम यही खाएंगे खजूरें, और अभी हमारे हस्बैंड देखे जी जलेबी और वो ले आएंगे साथ, तो मैंने सोचा ये आपके साथ शेयर करते हैं, ठीक है जी। इस तरह से योगर्ट में जो है ना वो सेपरेट भी रख देते हैं, और खजूरें इस तरह हम दूसरे करके रख देते हैं, तो दूसरा मज़ा आ जाता है। तो बाकी ये कि जूस हमने बना लिया जी, बच्चे आपको पता है पीते हैं हर हाल में, हम तो बेशक कहेंगे दूध का हो ये वो, लेकिन वो जान छुड़ाते हैं, कहते हैं आप हर बार यही करती हैं, मैं ये पीना नहीं है, ठीक है जी। ये ऑरेंज हमने बना लिया टैंक, और ये बना लिया हमने पाइन एप्पल जूस से, ठीक है जी। तो बस इसी तरह से हमारा रोज़ा होगा, अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों के दस्तरखान भरे रखे, सबके घरों में अल्लाह पाक रिस्क परवानी से, अल्लाह पाक रिस्क की परवानी, सब लोग अपने घरों में खुश बाट, सबके दस्तरखान भरे। ये बेटा ये वाला उठाना मुड़ सके, ये रेड वाला, ये वाला, ये वाला, ये उस पर ढको, ये उसका है, ठीक है जी। तो ये हमारा आज का रोज़ा है, बस रोज़ा खुलने में 2-5 से 7 मिनट रह गए, अब हम बैठ के दुआ करते हैं। और कुछ चीज़ें जो हम जैसे योगर्ट इसमें आया, क्योंकि मैं अकेली कर रही होती हूँ ना, मैंने आपको बताया, बाकी जाहिर बात है लड़के तो आपको पता ही, बच्चे किस तरह करते हैं, तो फिर मैं खुद ही उठ जाती हूँ, और इसी वजह से अभी ये दही वगैरह मैंने दूसरे बोल में डालती हूँ, ठीक है जी। और हम फिर खाना बाद में खाएंगे, ठीक है जी। ओके जी, आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।